योग ही डरता है। यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी को रिहा करो, भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रियंका नहीं आंधी है, प्रियंका नहीं आंधी है, भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जब योगी जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, प्रियंका नहीं आंधी है, दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, प्रियंका गांधी को रिहा करो, यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, भाई जब हमारा नारा है, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, योगी पुलिस मुर्दाबाद, योगी पुलिस मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी मुर्दाबाद। बहन प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बहन प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बहन प्रियंका गांधी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनेगी उसके अनुसार आज हम सड़कों पे उतरे, चाहे हमें जेल जेल भी भरनी पड़े, हम इस कार्रवाई के लिए भी तैयार बैठे। सीतामढ़ी में उन्हें पुलिस लाइन में हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार करके रखा गया है। हमारी ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पीड़ित परिवारों से उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। और जो ये गलत कार्य किया है, चाहे वो कितनी बड़ी पहुंच के आदमी हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसने वो गाड़ी चढ़ा कर निहत्ते किसानों को निर्मम हत्या की।